70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा 18 देशों के थ्रू, जो कि आपको पहुंचाएगी इंडिया से यूके यानी कि लंदन, वो भी एक बस में। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है सौरभ और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और अपलोड बटन भी प्लीज प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए और जाना जाए सारी डिटेल्स दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा के बारे में। अगले साल होने वाली दुनिया की सबसे लंबी बस जर्नी की डिटेल शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ लंबी बस जर्नीज को लेके। इनफैक्ट लंबी बस जर्नीज का कल्चर अर्ली 50s से शुरू हो गया था, जब ओवरलैंड हिपीज क्रॉसिंग किया करते थे यूरोप से एशिया। उनको ओरिएंटल ट्रिप्स बहुत पसंद थी, इसलिए 57 में एक कंपनी थी जिन्होंने इंडिया मैन नाम की एक बस सर्विस शुरू की थी, जो कि यूके से शुरू होके इंडिया के कोलकाता तक आई थी। और लगभग 15 अप्रैल को उन्होंने अपनी ट्रिप शुरू की थी यूके से और 5 जून को अपनी ट्रिप कोलकाता में ख़त्म की थी। जो रूट उन्होंने फॉलो किया वो था फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, देन अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज क्रॉस करते करते वो बस फाइनली कोलकाता पहुंची। 50s के बाद 60s और 70s में एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी अल्बर्ट, उस कंपनी ने भी यही सेम रूट फॉलो किया, लेकिन उसने अपने रूट को और एक्सटेंड किया। 68 से 76 तक ये बस की ट्रिप्स चली, 4 बार इंग्लैंड से शुरू के ऑस्ट्रेलिया तक अपने सवारियों को पहुंचाया उन्होंने और लगभग 15 बार क्रॉसिंग की यूरोप से कोलकाता यानी कि यूके से कोलकाता तक का अपना सफ़र पूरा किया। इन्होंने भी वही वाला रूट फॉलो किया मोर और लेस जो कि पिछली कंपनी यानी कि इंडिया मैन ने किया था। इनका रूट थोड़ा सा डिफरेंट था, इन्होंने रूट लिया था बेल्जियम और ऑस्ट्रिया का रादर देन फ्रांस और इटली का, बस वहीं पे डिफरेंस था। बाकी सारा जो रूट था यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रशिया और उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये सारा का सारा रूट कॉमन था। लेकिन जब ये सवारी सिडनी जाती थी उनके लिए रूट थोड़ा सा डिफरेंट होता था। वो कोलकाता के बाद बर्मा जाते थे लैंड क्रॉसिंग के थ्रू, बर्मा से फ्लाइट पकड़ते थे सिंगापुर जाते थे, सिंगापुर में शिप लेते थे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे, पर्थ तक जाते थे शिप से, वहाँ से वापस से इनको बस मिलती थी और वो बस उनको सिडनी तक लेके जाती थी। जो उस समय का जो पॉपुलर रूट था अल्बर्ट का, वो रूट था यूके से कोलकाता तक, और उसके लिए जो कॉस्ट था वो लगभग 140 से 150 pounds के बीच में दोनों ही कंपनीज का, इंडिया मैन का हो या फिर अल्बर्ट का। और आज की रेट में अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगर प्राइस चेक करें तो लगभग 4 से 5 lakh रुपए के बीच में वो खर्चा बैठता है। आप सोचिए आज की तारीख में रोड की कंडीशन कितनी अच्छी है, उस समय रोड्स कैसी रही होंगी, लेकिन फिर भी इतनी लंबी लंबी जर्नीज हज़ारों किलोमीटर की लोग करने के लिए तैयार थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। और जो बस की कैपेसिटी थी वो लगभग 20 लोगों की होती थी और जो अल्बर्ट था वो स्पेशली डबल डेकर था, उसमें सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। चलिए बात करते हैं अगले साल होने वाली दुनिया की सबसे लंबी बस जर्नी के बारे में। इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है एडवेंचर्स ओवरलैंड नाम की कंपनी जो कि गुड़गांव बेस्ड है, और इसके फाउंडर्स हैं संदीप मदान एंड तुषार अग्रवाल। ये दोनों ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन उन्होंने कराए हैं। इनफैक्ट पिछले 3 साल से ओवरलैंड क्रॉसिंग इंडिया से यूके ये लोग करवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके गए हैं, बस में पहली बार कर रहे हैं। जो प्लान मैंने इस ट्रिप का देखा, उस ट्रिप का प्लान देखने के बाद मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, एक एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर बहुत होता है ट्रैवल करने के लिए, वो भी 70 दिनों में 18 कंट्रीज के थ्रू 2 continents में। ये बस जो रूट लेने वाली है वो शुरू होती है दिल्ली से और ख़त्म होती है लंदन में। दिल्ली से शुरू होगी, इम्फाल तक जाएगी, इम्फाल के बाद ये म्यांमार में इंटर करेगी, म्यांमार के बाद थाईलैंड, फिर लाओस, यानी कि आप साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश दे सकते हैं। उसके बाद ये बस लाओस के बाद चाइना चली जाएगी, चाइना के बाद जितने सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद रशिया, उसके बाद फिर ये बस रशिया से यूरोप में इंटर कर जाएगी, जहाँ पे आप देख सकेंगे चेक रिपब्लिक, जर्मनी और फाइनली यूके। एक दो कंट्री में मिस कर गया हूँ शायद, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट था। जो भी लोग इस ट्रिप पे जाएंगे उनके लिए ट्रिप काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। इस ट्रिप के लिए सिर्फ 20 लोगों की सीट है, लिमिटेड कैपेसिटी है,
और जो टेंटेटिव डेट इन्होंने प्लान की है इस ट्रिप के लिए वो है May 21 की। इनकी वेबसाइट पे जाइए, अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कीजिए अगर आप जाना चाहते हैं तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी जर्नी को इस कंपनी ने 4 लेग्स में डिवाइड किया है। अगर आप पूरे 70 दिन का ट्रिप नहीं करना चाहते इंडिया से यूके, तो उसमें ऑप्शन है कि अलग अलग लेग्स को आप सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके एंडिंग पॉइंट तक उस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं उस बस के थ्रू। हालांकि इन्होंने बोला है कि जो लोग पूरा ट्रिप करने वाले हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो इन्होंने लेग्स डिवाइड किए हैं उसमें पहला लेग है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का, यानी कि जो मैंने आपको बताया इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। सेकेंड लेग जो है वो है चाइना। थर्ड लेग है आपका सेंट्रल एशिया। और फोर्थ एंड फाइनल लेग है यूरोप का। आप किसी भी लेग में इंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप पूरा ट्रिप करना चाहें तो पूरा ट्रिप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, वो है कॉस्ट। खर्चे कितने होने वाले हैं, दिल थाम के बैठिएगा, खर्चा काफ़ी मोटा है। मुझे नहीं पता कि इस प्राइस को सुनने के बाद कितने लोग की एक्साइटमेंट बची रह जाएगी। इस पूरे ट्रिप का कॉस्ट है 15 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख INR। आप लोगों को इस 15 लाख में क्या क्या मिलने वाला वो मैं आपको इंक्लूजन आके बताता हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पूरा ट्रिप नहीं करना है तो आप अलग अलग लेग्स में भी ये ट्रिप कर सकते हैं, और सारे लेग्स की अलग अलग कॉस्ट है। 15 लाख सुन के कैसा लगा आप लोगों को? ये 15 लाख पर पर्सन है। अब अगर इंडिविजुअल लेग्स की बात की जाए, जो मैंने फर्स्ट लेग बताया था इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला, उसका कॉस्ट है कुछ 3.5 लाख रुपये। और जो सेकेंड लेग है चाइना वाला, उसका कॉस्ट है लगभग 4.25 लाख रुपये। जो सेंट्रल एशिया वाला है वो सबसे लंबा है, उसका कॉस्ट है लगभग 4,95,000 रुपये। और फाइनल जो यूरोप वाला लेग है उसका कॉस्ट है 4.25 लाख रुपये। ये सारे के सारे प्राइसेज पर पर्सन हैं, और इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। इसके ऊपर 5% GST आप और जोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स की। इस पैसे में आपको क्या मिल रहा है और इसके ऊपर से आपको क्या खर्चा करना पड़ सकता है। इन टूर प्लानर्स ने जो टूर प्लान किया उसके हिसाब से अर्ली स्टार्ट होगा, पूरी डे जर्नी होगी और नाइट स्टे होगा होटल्स में। तो सारे का सारा एकोमोडेशन का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। वीज़ा, परमिशंस, अप्रूवल्स सारी मिनिस्ट्रीज़ के, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। गाड़ी के साथ जितने भी खर्चे हैं, टोल, पार्किंग, फ्यूल, ड्राइवर, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। सारे के सारे मील्स इंक्लूडेड हैं। जो भी लेग लेते हैं, अगर आप पूरा ले रहे हैं या पार्शियल लेग ले रहे हैं, उन सारे केसेज में ये सारे के सारे इंक्लूजन्स हैं। इंक्लूजन्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। साइट सीइंग इसमें इंक्लूडेड है, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड इंक्लूडेड है सारे के सारे जगहों पर जहाँ पर भी साइट सीइंग या वॉकिंग टूर्स कराए जाएंगे। एक्सक्लूजन के नाम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मुझे लगता है उसमें ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस इस वाले कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अलग से लेना पड़ेगा, और 5% GST इस टोटल कॉस्ट के ऊपर आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और इसी टाइम पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि टोटल 10 वीज़ाज की ज़रूरत होगी इस पूरे ट्रिप के लिए। आपका जो पासपोर्ट है वो 2022 तक आई थिंक मई या जून तक वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पासपोर्ट पे कम से कम 20 पेजेस खाली होने चाहिए वीज़ा के पर्पज़ के लिए। तो अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें शायद आगे चेंज होने रही होंगी। हमें नहीं पता कि अगले साल मई में क्या हालत होगी, क्या परमिशंस मिलेंगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, ये ट्रिप पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें भविष्य में पता लगेंगी। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ट्रिप के लिए तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं। और भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इससे भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन है इनकी वेबसाइट पर, वो आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ जो गाइडलाइंस के ऊपर थे वो वाले मिस किए हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।